Welcome to CI International online classes. Hello students, how are you? Hope you are fine. बेटा हमने अपने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था कि राज्य सरकार कैसे काम करती है, हम उसके बारे में बात कर रहे थे. तो हमने देखा था कि जो हमारे देश में जो गवर्नमेंट है उसके तीन लेवल हैं. तीन स्तरों पर गवर्नमेंट काम करती है, स्थानीय स्तर पर, राज्य स्तर पर और केंद्र स्तर पर. ठीक है, और स्थानीय स्तर पर गवर्नमेंट कैसे काम करती है, पंचायत कैसे काम करती है, जिले में कैसे काम किया जाता है, ये हम अपनी क्लास सिक्स की बुक में पढ़ चुके हैं. ठीक है, और क्लास सेवन्थ में हम पढ़ेंगे कि राज्य सरकार कैसे काम करती है. और हमने इससे अपने पिछले लेक्चर में पातालपुरम की एक स्टोरी के बारे में पढ़ा, जिसमें हमने देखा कि वहां की जो हेल्थ सिचुएशन थी काफी खराब होती जा रही थी. लोग हैजे की बीमारी से पीड़ित थे, इसलिए उन लोगों ने विधायक के घर जाकर घेराव किया. तो बेटा विधायक कौन होता है, आज हम उसी पे बात कर रहे हैं. विधायक, विधायक यानी कि मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, MLA, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी कि MLA जो है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली की शॉर्ट फॉर्म है. और ये विधायक कौन है, विधानसभा का सदस्य है. ठीक है, अब हम यहीं से ही अपने चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं. विधायक कौन होता है, उपरोक्त भाग में आपने पातालपुरम की घटनाओं के बारे में पढ़ा, हमने पढ़ा था, हमने जिलाधीश के बारे में, चिकित्सा अधिकारी जैसे नामों से भी हम परिचित हैं. परंतु क्या आपने विधायक और विधानसभा के बारे में सुना है, क्या आप अपने क्षेत्र के विधायक यानी MLA से परिचित हैं कि वे किस पार्टी के हैं. तो मैंने आपको बोला था कि आप अपने पेरेंट्स से डिस्कस कीजिए. क्या बेटा आपने अपने पापा से पूछा कि आपके क्षेत्र के MLA कौन है? नहीं तो आप पूछ कर रखिए, नाम लिखिए कि आपके क्षेत्र का MLA कौन है और वो किस पार्टी का है. अब MLA कौन होता है, विधानसभा का सदस्य. विधानसभा के सदस्य को हम MLA कहते हैं और MLA मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली का संक्षिप्त रूप है. MLA जो है किसका संक्षिप्त रूप है, किसकी शॉर्ट फॉर्म है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली. MLA का चुनाव जनता के द्वारा किया जाता है. बेटा जनता के द्वारा ही किया जाता है, क्योंकि आप देखते हैं जब इलेक्शन होते हैं तो लोग ही वोट डालते हैं. कौन कौन से लोग, जिनकी उम्र 18 या 18 से ऊपर होती है, वो लोग वोट डालते हैं और अपने नेता को चुनते हैं. तो जिस निर्वाचन क्षेत्र से जो व्यक्ति चुना जाता है वो वहां का MLA बन जाता है. फिर भी लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर यानी कि विधानसभा के सदस्य बन जाते हैं और सरकार बनाते हैं. इस प्रकार हम कह सकते हैं कि विधायक जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं. विधायक जनता का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, मतलब जनता को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. क्योंकि हमारे देश की आबादी 130 करोड़ आबादी है हमारे देश की, तो 130 लोग तो मिलकर सरकार नहीं बना सकते, कैसे लोग अपने विचार प्रस्तुत करें. तो हमने गवर्नमेंट बनाई, लोगों ने मिलकर अपने प्रतिनिधि को चुना, अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुना, एक नेता को चुना जो कि उनके वेलफेयर के लिए काम करेगा. मतलब हमारी जगह पर ये व्यक्ति खड़ा है तो वो हमें रिप्रेजेंट कर रहा है. इसीलिए जिस मेंबर को चुना वो वहां की जनता को रिप्रेजेंटेटिव करते हैं, वहां की जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं. नीचे दिए गए उदाहरण से यह बात और भी अधिक स्पष्ट हो जाएगी कि भारत के हर राज्य में एक विधानसभा है. हम जानते हैं कि हर राज्य गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं, तो नेचुरली हर राज्य में विधानसभा होगी. हर राज्य कई निर्वाचन क्षेत्रों में बटा है और राज्य को भी कई भागों में बांट दिया गया है. उदाहरण के लिए यहाँ नीचे एक मानचित्र दिया गया है और उसमें दर्शाया गया है कि हिमाचल प्रदेश 68 निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा गया है. 68 यानी 68 निर्वाचन क्षेत्रों में बांट दिया गया, यानी कि 68 निर्वाचन क्षेत्रों पर अलग अलग जगह से अलग अलग पार्टी के लोग खड़े होंगे और हर एक क्षेत्र से एक ही व्यक्ति को चुना जाएगा जो कि वहां का MLA कहलाएगा. हर निर्वाचन क्षेत्र से जनता अपने एक प्रतिनिधि को चुनती है जो कि विधानसभा का सदस्य यानी कि विधायक बन जाता है. आपने ध्यान दिया होगा कि चुनाव में लोग अलग अलग पार्टी के नाम से खड़े होते हैं. आपने देखा होगा कि चुनाव में जो लोग हैं वो अलग अलग पार्टी से खड़े हुए हैं. हमारे घर भी देखते हैं आप लोग वोट मांगने के लिए आते हैं तो कोई BJP के हैं, कोई कांग्रेस के हैं, कोई समाजवादी पार्टी के हैं, कोई आम जनता पार्टी के हैं, तो अलग अलग उनके साइन भी अलग अलग होते हैं. जैसे कि BJP का कमल का फूल है, कांग्रेस का हाथ है ना, अलग अलग पार्टियों के अलग अलग साइन होते हैं. तो हर एक पार्टी से बहुत सारे जो
हर पार्टी से एक ही व्यक्ति खड़ा होता है, तो बहुत सारी पार्टियां हैं, तो इसका मतलब हर निर्वाचन क्षेत्र से बहुत सारे व्यक्ति खड़े हुए। आपने ध्यान दिया कि अलग अलग पार्टी के नाम से खड़े हुए, इसीलिए विधायक भी अलग अलग राजनीतिक दलों से होते हैं। मतलब इन निर्वाचन क्षेत्र से किसी पार्टी का व्यक्ति जीत गया, दूसरे निर्वाचन क्षेत्र से किसी और पार्टी का व्यक्ति जीता, तीसरे निर्वाचन क्षेत्र से किसी और पार्टी का व्यक्ति जीता, तो जीते हुए जो व्यक्ति हैं वो भी अलग अलग पार्टी के हो सकते हैं, होते ही हैं। जो लोग विधायक होते हैं वे मंत्री या मुख्यमंत्री कैसे बन जाते हैं? अब जो विधायक बन गया यानी कि जो MLA बन गया वो कैसे मंत्री बना और कैसे वो मुख्यमंत्री बना? जिस राजनीतिक दल के विधायक आधे से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों में जीत जाते हैं, उस राज्य में उस दल को बहुमत से माना जाता है। मान लीजिए आपके हिमाचल प्रदेश में 68 MLA से, 68 निर्वाचन क्षेत्र से, हर निर्वाचन क्षेत्र से एक जो है आपका MLA चुना जाएगा, ठीक है। हर निर्वाचन क्षेत्र से एक ही व्यक्ति जीतेगा, तो टोटल MLA कितने हो गए? 68, ठीक है। तो 68 MLA को चुना गया और 68 MLA को चुना गया और इन 68 में कुछ पार्टी के अलग अलग मेंबर हो सकते हैं, तो जिस पार्टी के सबसे ज्यादा मेंबर थे उस पार्टी को बहुमत कहा गया। बहुमत पार्टी के वो नेता हो गए, मतलब बहुमत प्राप्त करने के लिए हमें 68 के हाफ से एक ज्यादा मेंबर तो चाहिए ही चाहिए। मतलब अगर हमें बहुमत चाहिए, 68 का आधा 34 + 1 = 35 मेंबर तो होने ही चाहिए अगर वो पार्टी बहुमत में होना चाहती है। यदि कोई पार्टी बहुमत में है मतलब उसके पास आधे से ज्यादा MLA हैं। बहुमत प्राप्त करने वाले राजनीतिक दल को सत्ता पक्ष मतलब जिसने बहुमत प्राप्त कर लिया, जिसके पास आधे से ज्यादा MLA हैं, वही सत्ता पक्ष का बनेगा, मतलब वही सरकार को बनाएगा। और अन्य सबको, कुछ लोग तो सत्ता पक्ष के हो गए, मान लीजिए 68 है और 68 में से 35 लोग तो यहाँ पर आ गए, जो बाकी के बच गए वो सब विरोधी दल के कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? विरोधी दल के। जो लोग सत्ता में है, जिनकी पार्टी ने सरकार बनाई, वो सत्ता पक्ष के, और जिनकी पार्टी ने सरकार नहीं बनाई वो विरोधी दल के कहलाए जाते हैं। उदाहरण के लिए हिमाचल प्रदेश की विधानसभा में 68 निर्वाचन क्षेत्र है। मैंने बताया हिमाचल प्रदेश में कितने हैं टोटल? 68 निर्वाचन क्षेत्र है हिमाचल प्रदेश में। विभिन्न राजनीतिक दलों के उम्मीदवारों ने 2003 का विधानसभा चुनाव जीता और वो विधायक बन गए, ठीक है। और उन्होंने वहां से अलग अलग पार्टी के लोगों ने चुनाव जीता और वो विधायक बन गए। विधानसभा में कुल संख्या 68 है, विधानसभा की टोटल सीटें कितनी है? 68 है। इसलिए बहुमत प्राप्त करने के लिए किसी भी राजनीतिक दल को 34 से अधिक विधायकों की जरूरत होगी। हमने हाफ से ज्यादा कर दिया, मतलब 35 तो चाहिए ही चाहिए, उससे ज्यादा कितने भी हो सकते हैं। और जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी, हम 2003 की बात कर रहे हैं, 2003 में वहां पर जो है कांग्रेस जीती, और जो 2017 का चुनाव हुआ था उसमें बीजेपी जीती और बीजेपी को वहां से 44 वोट मिले थे। बीजेपी को सन 2017 में, ठीक है, 2017 में 44 MLA थे उसके, होने के कारण उसे बहुमत मिल गया। ये होने के कारण उसे बहुमत मिला और वे सत्ताधारी दल के सदस्य बन गए। और अन्य सब विरोधी दल के, मतलब जिस भी पार्टी ने, जैसे 2003 में वहां पर कांग्रेस जीती तो कांग्रेस सत्ता पक्ष की और बाकी सभी पार्टियां विरोधी दल की। 2017 में आपकी बीजेपी जीती तो बीजेपी सत्ता पक्ष, बाकी सब विरोधी पक्ष। आगे देखिए, इस उदाहरण में भारतीय जनता पार्टी मुख्य विरोधी दल बनी। 2003 में भारतीय जनता पार्टी मुख्य विरोधी दल बनी। मुख्य विरोधी दल क्यों, कौन होता है? क्योंकि भारतीय कांग्रेस के बाद सबसे ज्यादा विधायक उसके थे। 2003 में 43 विधायक तो थे कांग्रेस के, ठीक है, और 43, और उसके बाद जो सेकंड नंबर पर पार्टी थी वो थी आपकी बीजेपी। इसीलिए बीजेपी को क्या कहा उन्होंने? मुख्य विरोधी दल। बाकी सारी पार्टियां विरोधी दल की हैं, लेकिन फर्स्ट नंबर पर कांग्रेस, सेकंड नंबर पर बीजेपी, तो सेकंड नंबर पर जो बीजेपी थी वो मुख्य विरोधी दल बनी। और जब हमने 2017 की बात की तो 2017 में जो बीजेपी है, बीजेपी ने 44 सीटें ली, ठीक है, तो बीजेपी तो हो गई सत्ता पक्ष और बाकी सारी पार्टियां हो गई विरोधी दल,
उस और विरोधी दल सबसे मुख्य विरोधी दल कौन सी थी? कांग्रेस, क्योंकि बीजेपी के बाद दूसरे नंबर पर कौन सी पार्टी के विधायक सबसे ज्यादा थे? कांग्रेस के। ठीक है, आगे देखिए, विरोधी पक्ष में अन्य पार्टियां भी थी, क्योंकि ये तो नहीं सिर्फ कांग्रेस ही, बाकी सारी पार्टियां विरोधी दल के अंदर आ गई। और कुछ निर्दलीय उम्मीदवार भी थे। निर्दलीय उम्मीदवार वो होते हैं जो किसी भी पार्टी के सदस्य नहीं होते, वो स्वतंत्र अपना चुनाव लड़ते हैं। वो भी चुनाव जीत कर आए थे, तो वो भी विरोधी पक्ष में हो गए। चुनाव के बाद सत्ताधारी दल के विधायक अपने नेता का चुनाव करते हैं। चुनाव हो गया, जिस पार्टी के सबसे ज्यादा मेंबर हो गए वो बहुमत में हो गई। अब बहुमत में हो गई तो वो सत्ता पक्ष की हो गई, मतलब अब वो सरकार बनाएगी। तो जो उनके एमएलए हैं, जितने जीते हुए उस पार्टी के एमएलए हैं, जैसे 2017 में बीजेपी के 44 और 2013 में कांग्रेस के 43, ये जो जीते हुए मेंबर हैं, ये अपना एक नेता चुनेंगे और उस नेता को क्या कहा जाएगा? मुख्यमंत्री। और मुख्यमंत्री की नियुक्ति, मुख्यमंत्री को शपथ दिलवाएगा वहां का गवर्नर। देखिए आप, चुनाव के बाद सत्ताधारी दल के विधायक अपने नेता का चुनाव करते हैं जो कि मुख्यमंत्री बन जाता है। इस उदाहरण में कांग्रेस पार्टी के विधायकों ने श्री वीरभद्र सिंह को अपना नेता चुना। ये सन 2003 की बात है जब कांग्रेस जीती, और सन 2017 में जो बीजेपी थी उन्होंने अपना नेता अलग चुना था, वो वीरभद्र सिंह नहीं थे, क्योंकि वीरभद्र सिंह तो कांग्रेस के हैं। आगे देखिए, इसके बाद मुख्यमंत्री मंत्रियों का चयन करता है, फिर वो अपने ही मेंबर में से, जैसे 44 मेंबर 43 मेंबर थे कांग्रेस के या बीजेपी के 44, तो अपने ही मेंबर से वो दूसरे मंत्रियों को चुनेगा। और चुनाव के बाद राज्य का जो राज्यपाल है यानी कि जो गवर्नर है, वो उनकी नियुक्ति करेगा। अब राज्यपाल कौन होता है वो देखिए, राज्य का प्रमुख, राज्य का सबसे बड़ा व्यक्ति, सबसे प्रथम व्यक्ति राज्यपाल कहलाता है। उसकी नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल कैसे आया? राज्यपाल की नियुक्ति केंद्र सरकार ने की, किसलिए की? यह सुनिश्चित करने के लिए कि राज्य सरकार क्या संविधान के अनुसार काम कर रही है या नहीं, राज्य सरकार संविधान के अनुसार ठीक से काम करे, यह सब देखने के लिए राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। और फिर बहुमत दल के जो बहुमत दल के सदस्य थे, उन्होंने जिसको अपना नेता चुना, राज्यपाल उसे मुख्यमंत्री चुनता है, और बाकी मुख्यमंत्री जिन मंत्रियों की लिस्ट बनाते हैं उसे वो मंत्रियों के रूप में नियुक्त कर देता है। मुख्यमंत्री तथा अन्य मंत्रियों का यह दायित्व है कि वे शासन के विभिन्न विभागों या मंत्रालयों को चलाएं। शासन के विभिन्न विभाग भी चलाएंगे और मंत्रालय भी चलाएंगे। उनके अलग अलग कार्यालय हो सकते हैं, जैसे कि हेल्थ विभाग है, हेल्थ डिपार्टमेंट है, मतलब कि आपका स्वास्थ्य विभाग हो गया, शिक्षा विभाग हो गया, मानव संसाधन कल्याण मंत्रालय हो गया, अलग अलग मंत्रालयों को चलाना उनका काम है। विधानसभा एक ऐसा सदस्य है जहां पर सभी विधायक इकट्ठे होते हैं, चाहे वो सत्ता पक्ष के हों चाहे विरोधी दल के हों, ठीक है, चाहे वे सत्ताधारी पक्ष के हैं या विरोधी दल के, विभिन्न विभिन्न विषयों पर चर्चा करते हैं, अलग अलग विषयों पर बात उठाते हैं कि कैसे गवर्नमेंट काम कर रही है और वो लोगों के वेलफेयर के लिए क्या काम कर रही है। तो विरोधी दल उनसे क्वेश्चन कर सकते हैं, आप कैसे काम कर रहे हैं, आप ये काम ठीक से नहीं कर रहे, आपको ऐसा करना चाहिए, तो विरोधी दल उनसे कई क्वेश्चन भी पूछते हैं। इस तरह कुछ विधायकों की दोहरी जिम्मेदारी होती है। कुछ विधायकों की दोहरी जिम्मेदारी तो हो ही गई, एक तो वो एमएलए बने, एमएलए का काम करना है, उन्होंने विधानसभा का काम करना है, दूसरा वो किसी विभाग में भी नियुक्त किए गए, वो कहीं के मंत्री भी बन गए, तो या तो उन्हें किसी मंत्रालय को देखना है, किसी विभाग, गवर्नमेंट के किसी विभाग का मंत्री बना दिया गया है, और साथ साथ में वो विधानसभा के सदस्य भी हैं, तो इसलिए उनकी दोहरी जिम्मेदारी हो जाती है, एक विधायक के रूप में और दूसरी मंत्री के रूप में। ठीक है, एक तो वो विधायक बने और दूसरे मंत्री बने। तो बेटा हमने जाना कि बहुमत प्राप्त दल के नेता कौन से होते हैं, बहुमत कब मिलता है? जब हमें पार्टी के आधे से ज्यादा मेंबर हो। ठीक है, अगर मान लीजिए वहां पर 40 है, 40 का आधा हो गया 20, 20 से 1 प्लस 21 तो होना ही चाहिए। और जिसके पास आधे से ज्यादा है वो बहुमत में है, मतलब सरकार बनाएगी, वो सत्ता पक्ष की हो गई, और बाकी जितनी पार्टियां हैं वो अपोजिशन यानी कि विरोधी दल की कहलाएंगी। इससे आगे का टॉपिक बेटा हम कल डिस्कस करेंगे। ओके।